जिसका हिंदी अंतर्यामी रूप, अंतर्यामी रूप दर्शाने के लिए आपका तो आल्टो और इवेन इफ का जो है प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और सबका अर्थ होता है यद्यप, ठीक है। तीनों शब्दों का अर्थ होता है हिंदी में यद्यप। तो एक एक का प्रयोग हम देखते हैं, ठीक है। तो दो ही इज पुअर, दो ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। यद्यप गरीब है लेकिन ईमानदार है। यहाँ कामा का जो अर्थ होता है लेकिन का अर्थ होता है, ठीक है ना। यद्यप वह गरीब है लेकिन वह ईमानदार है। आपको एग्जाम में क्या करके देगा, एग्जाम में आपको यहाँ पर बट लगा के देगा, ठीक है, बट लगा के देगा। लेकिन आपको बट जो है रिमूव कर देना है, ठीक है। एग्जाम में बट रिमूव कर देना है क्योंकि दो के साथ बट नहीं आता है, ठीक है। तो दो ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, यद्यप वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, ठीक। इसी प्रकार से आदो का भी प्रयोग होता है। अगर आप दो के स्थान पर आदो लगा देंगे तो कोई गलती नहीं होगी, तब भी सही माना जाएगा। आदो ही इज पुअर, He is honest, क्योंकि सेम अर्थ दोनों देते हैं, ठीक। उसी प्रकार से आपका इवेनिट भी है, इवेनिट यद्यप, यद्यप, या इसको हिंदी में एक अर्थ और निकाल सकते हैं, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो, ये भी अर्थ देता है, चाहे जो भी हो। लेकिन शॉर्ट में यद्यप की समझे, ठीक है। आई सेल गो टू, आई सेल गो टू कोचिंग इवन इफ the exam easily,
ठीक है। तो मोहन इतना कुछ नाम था, कुछ नहीं हुआ है, एग्जाम को आराम से पास कर लिया, क्रैक कर लिया, पास कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, अगर प्रेजेंट है तो कैन नॉट, आवाज है तो कुड, का प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पर्पस उद्देश्य, पर्पस उद्देश्य, पर्पस और उद्देश्य में आपका जो एडवर्ब आएगा वो सो दैट, इन आर ऑर्डर दैट और लेस शुड का प्रयोग होता है। एक ही माध्यम करेंगे, देखिए सो दैट के साथ, सो दैट के साथ हमेशा इसका जो हेल्पिंग वर्ब आएगा, अगर प्रेजेंट की बात है तुम्हें, अगर पास्ट की बात है तो माई। तो ये दोनों याद कर लीजिए, सो दैट के साथ हमेशा मैं या माई आता है, सो दैट के साथ हमेशा मैं या माई आता है, और इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट के साथ भी, इन ऑर्डर दैट के साथ भी आपका अकॉर्डिंग टू द टेंस में या माई आएगा, ठीक है। टेंस के अनुसार इन ऑर्डर दैट के साथ भी मैं या माई आएगा, ठीक। और ये जो आपका लिस्ट है, लिस्ट का भी हेल्पिंग वर्ब फिक्स है जिसके साथ हमेशा शुड आएगा, ठीक है। क्या आएगा, शुड आएगा। अच्छा सो दैट का हिंदी अर्थ होता है ताकि, मत बोलना ताकि आएगा, क्या ताकि। इन ऑर्डर दैट का भी मतलब होता है ताकि, ठीक है। और लेस का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि। अब यहां पर देखिए एक चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है, कहीं ऐसा ना हो कि, इसमें देखो ना लगा है, ना मतलब निगेटिव, इसका मतलब लेस के साथ कोई निगेटिव वर्ड नहीं आएगा, नो नॉट का प्रयोग नहीं होगा, नो नॉट नेवर का प्रयोग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए ये खुद ही कह रहा है नहीं ना, कहीं ऐसा ना हो कि, निगेटिव दे रहा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार का नो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं, सो दैट ताकि, तो आई सर्च अ साइलेंट प्लेस, आई सर्च्ड अ साइलेंट प्लेस। अब यहां पर देखो पास्ट की बात हो गई, पास्ट हो गया, आई सर्च पास्ट हो गया, इसलिए क्या हुआ हमारा उधर माइक लगेगा। तो आई सर्च्ड अ साइलेंट प्लेस सो दैट, ताकि, सो दैट आई माइट स्टडी साइलेंटली, स्टडी मैंने जो है एक शांत स्थान ढूंढा ताकि मैं शांति पूर्वक पढ़ सकूं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप पास्ट रहेगा तो माइट और प्रेजेंट रहेगा मैं का प्रयोग करें। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी ताकि का देता है ना, He works hard in order that he might get, sorry mai hua works hard hai na, he may get good marks in exam। वह कठिन परिश्रम किया ताकि वह जो है परीक्षा में अच्छे नंबर पा सके, ठीक है, अच्छे नंबर पा सके। तो यहां पर देखिए वर्क शॉर्ट प्रेजेंट में है, इसलिए इस साइड में आपको क्या लगा है, मे लगा। तो आपको ये टेंस देख करके आपको मे माइक का प्रयोग करना है। अब आप लेस का प्रयोग देखेंगे, What slowly
lest you should fail. धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर पड़ो, धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर पड़ो, ठीक है। चलिए देखिए माइनर डन तरीका एस सो फार एस, ठीक है, एस या सो फार एस आपके तरीकों को आपके ढंगों को बताता है कि आपका काम करने का तरीका आपका ढंग कैसा है, बोलने का, काम करने का, चलने का, ठीक है, सब कुछ कैसा ढंग है, कैसा तरीका है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर में यह सब कुछ हम सीखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर में हम देखेंगे पहले एज, एज हिंदी जैसा या जैसे, जैसे आई आई सेड ट्रीट यू इन द सेम वे, इन द सेम वे एज यू As you treat me. तुम मेरे साथ जैसा व्यवहार करते हो मैं भी तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार करूं। मतलब इंग्लिश में एक शब्द में टिट फॉर टैट, हिंदी में जैसे को पैसा, संस्कृत में सटे साठ का समान चले, ठीक है। तो सबका अर्थ एक ही है, सबका अर्थ क्या है, एक ही है। तो आई सेल ट्रीट यू इन द सेम वे एज यू ट्रीट मी, जैसा तुम मेरे साथ व्यवहार करते हो वैसे मैं भी तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। और इसके बाद आपका सो फार एज, सो फार एज हिंदी है जहां तक, जहां तक, ठीक है। आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, सो फार एज आई एम कंसर्न इन दिस मैटर, मैं एकदम सत्य बोल रहा हूं जहां तक इस मामले में मुझे जानकारी है, मेरा संबंध है इस मामले से, जितना भी मैं बोल रहा हूं सब कुछ क्या बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं। क्लियर है समझ में आ गया? सर वही एक बार फिर बोला दीजिए।